ये क्लास सिक्स का जियोग्राफी है, चैप्टर फाइव मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या है? जो सॉलिड पोर्शन होता है ना, जिस पर सबसे स्टिकी होती है, तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, ये लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसियस लेयर ऑफ दैट सराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ को जो हवा, जिसमें हवा है, ये जो लेयर है वो है एटमॉस्फेयर, जिसमें सब कुछ क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। हाइड्रोस्फीयर क्या है? मतलब वाटर, वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें समुद्र, नदी, लेक्स सब कुछ इसमें हाइड्रोस्फीयर में है। बायोस्फीयर क्या है? जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, लाइफ के लिए जो अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती हैं, अच्छा माहौल बनाती हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है। इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोयल, उसके एक लेयर हो गई रॉक की, जो उसे कहते हैं क्रस्ट, और उसके नीचे मेंटल एंड कोर, ये अंदर की तरफ साइड है। तो ऊपर की लेयर हो गई क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर क्या है, थिन लेयर ऑफ द सोयल होती है। तो लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बॉडीज, ये दोनों इसी पे टिके हैं लिथोस्फीयर पे। एलिवेशन ऑफ द लैंड मेजर किया जाता है फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी, लेवल ऑफ द सी लिया जाता है जीरो से, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन की पीक है वो 8848 मीटर है, किससे? अबाउ द सी लेवल। और सबसे गहराई में ग्रेटेस्ट डेप्थ किसकी है? मैरिना ट्रेंच की है, 11022 मीटर। किस में है? ये पैसिफिक ओशियन में। मैं ये पूछ रहा था कि मैरिना ट्रेंच कहाँ है, ये पैसिफिक ओशियन में है। सात ना मेजर कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसके पास 1/3 ऑफ द टोटल लैंड है, तो इसलिए ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। किस में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जैसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एशिया। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द इक्वेटर, बीच में होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया से होकर भी जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद कर लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है इंडिया में, ये पॉइंट याद कर लेने वाला है। एशिया सेपरेट होता है यूरोप से बाई यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, एशिया और यूरोप के बीच में है यूराल माउंटेन, याद करना है। कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप और एशिया कहा जाता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा कह दिया जाता है, और यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है। और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है एशिया से, इंडिया से भी गुजरता है, इंडिया भी एशिया में ही है। 88 स्टेट है इंडिया के जिनसे वो गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यूरोप स्मॉलर देन द एशिया, मच स्मॉलर, आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इक्वेटर है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्कल उसके ऊपर है, तो यूरोप से गुजरता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं, जिससे कि कितना बड़ा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, या हर जगह ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं, तो वो है अफ्रीका। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी अफ्रीका में ही फ्लो करती है। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लिंक की कौन बनाता है, ये इस्थमस ऑफ पनामा। साउथ अमेरिका में एंडीज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पाई जाती है। नॉर्थ साउथ अमेरिका में और क्या है, ये अमेजॉन रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इंटायर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जस्ट उल्टे चलते हैं, अगर यहाँ दिन व रात, मतलब उसके हिसाब से भी यहाँ टाइम का डिफरेंस होता है कुछ इतना नहीं है, बट वहाँ मौसम के हिसाब से पूरा चेंज है, अगर यहाँ गर्मी है तो वहाँ सर्दी है। तो स्मॉलैंड कॉन्टिनेंट दिन रात का नहीं फर्क पड़ता है, यह मौसम का फर्क पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी सर्दी,
सर्दी का मौसम चलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जहाँ क्रिसमस होता है गर्मियों में, क्योंकि वहाँ दिसंबर पड़ती है गर्मी। ये इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है इंटायरली किसमें, साउथर्न हेमिसफियर में। इट इज़ कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका क्या है, कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिसफियर में। एंटार्क्टिका तो साउथ पोल हो गया, इसमें कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ठंडा है। इंडिया के हमारे वहाँ सब सभी के कंट्री इनके वहाँ रिसर्च स्टेशन है, तो इंडिया के भी हैं जिनके नाम याद कर लेने, जैसे मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। ये रनिंग वाटर इसमें है। हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा ओशन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, सब कुछ मिला के बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर एंड 29% में है लैंड। मोर देन 90% का जो अर्थ का वाटर है वो पाया जाता है ओशन में, किसी बहुत जो कि बहुत साल्टी है, जैसे ह्यूमन यूज के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता बट बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जो रिमेनिंग वाटर है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर में है और अंडरग्राउंड है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, इसलिए स्कार्सिटी होती है पानी की, अदरवाइज तो पानी तो बहुत सारा है। और इसमें है ओशियन, हाइड्रोस्फीयर में कौन सा ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओशियन वाटर और ऑलवेज मूविंग होता है, मेन मोमेंट ऑफ वेव टाइड एंड ओशियन करंट। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मेरिना ट्रेंच ये याद कर लेना, जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो पैसिफिक ओशियन में है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, 1/3 तो कवर करके पैसिफिक ओशियन में। डीपेस्ट जो पॉइंट है अर्थ का वो मेरिना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है। अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप्ड है, बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन बहुत इंडेंटेड है, मतलब बहुत अच्छा है उनके लिए लोकेशन है पोर्ट के लिए। तो बिजीएस कौन सा, अटलांटिक ओशन, ये पूछ जाता है कि कौन सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बिजी है, तो अटलांटिक ओशन ज़्यादा बिजी है। इंडियन ओशन एक ही ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया इंडियन ओशन। शेप इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है, नॉर्थ इज बाउंड बाई एशिया, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। साउथर्न ओशियन कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को कवर किया है, एंड आर्कटिक ओशियन सराउंड नॉर्थ नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशियन कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय बेरिंग स्ट्रेट, इसे याद कर लेना है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है कैसे आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को। एटमोसफियर क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमोसफियर, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीद। एटमोसफियर मतलब एयर प्रोवाइड कर रहा है, क्या एयर जिसमें वी ब्रीद कर रहे हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। एटमॉस्फेयर इज कनेक्टेड, जो 5 लेयर है एटमॉस्फेयर में, शुरुआत करो ट्रोपोस्फीयर नीचे से, ऊपर तक जाएंगे तो प्रेशर भी वेरी करेगा। एटमॉस्फेयर कंपोज मेनली गैसेज, और इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 99%। हाँ तो 1% में कुछ और चीज़ें होती हैं ये, तो ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरत है, ये तो हमारे लिए ज़रूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है हीट, रेडिएट करता है अर्थ बाय द अर्थ, जिससे प्लैनेट वार्म रहता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह, कम क्वांटिटी तब भी। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी करता है, हाइट में जाएंगे तो इट मैक्सिमम एट द सी लेवल, डेंसिटी मैक्सिमम होगी सी लेवल पर और डिक्रीज होगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ही। क्लाइंबर्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एयर वहाँ कम होती जाती है, क्योंकि मैक्सिमम सी लेवल पर है, ऊपर जाते जाते कम होती जाती है डेंसिटी ऑफ एयर, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि इतना ये उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है ना एयर, डेंसिटी कम है, दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ ऑफ हाई एल्टीट्यूड। टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एक नैरो जीवन है जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए ये बायोस्फीयर पर डिपेंड है। वैसे कुछ क्वेश्चन हैं, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ क्या है, मेरिना ट्रेंच है कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन का नाम एक कंट्री के ऊपर रखा गया इंडिया के ऊपर, बायोस्फीयर क्या है ये याद कर लेना है, डेफिनेशन है इसकी, नैरो जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इन्हें कहा जाता है यूरेशिया, एक साथ मिला कहा जाता है यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक अर्थ की एवरेस्ट, द
माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप और एशिया, यूराल पर्वत है वो जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका लिंक टू साउथ अमेरिका बाई इस्थमस ऑफ पनामा। मेजर कॉन्टिनेंट कंस्टिट्यूंट ऑफ एटमोसफियर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, तो 78% वाला होगा मेजर कंस्टिट्यूंट। डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक मतलब लिथोस्फियर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कुछ मैचिंग है इसके। एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, इंडिया से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किन से? 8 स्टेट से, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यूरोप से गुजरता है आर्कटिक सर्कल, साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर है। लिथोस्फीयर क्या? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन में है डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का, वो है मैरिना ट्रेंच। स्ट्रेट किसे कहा जाता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर है कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी और ऐसी, कहते हैं स्ट्रेस। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास, दो जमीनों को जोड़ने वाला इस्थमस है, दो वाटर को जोड़ने वाला स्ट्रेट है। वाट आर द फोर मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्या है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ? मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। नेम द टू कॉन्टिनेंट दैट आर इंटायरली लाइन द साउथर्न हेमिस्फीयर में, कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका साउथर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर है सबसे पहले, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन, ओजोन ये सब है, ओजोन लेयर। मेजोस्फीयर उसके ऊपर एक, थर्मोस्फीयर उसके ऊपर एक्जोस्फीयर।